नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा, जिसके अंदर फर्स्ट है बैन एम्बेसीज एंड बीएफएस विल ओपन इन इंडिया, और दूसरे टॉपिक में अंदर है जो मेजर चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज पोस्ट स्टडी परमिट इन कनाडा की, उसकी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स इन इटली एज वेल एज ईयू कंट्रीज, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं थर्ड नंबर पे कवर करूंगा। तो पहले मैंने 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस डाली थी फॉरेन कंट्रीज की सिचुएशंस के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जाना चाहिए, फीसिस भेजनी चाहिए, ऑनलाइन अटेंड करनी चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज है जहाँ से हम वेरीफाई करके जाएँ आज की सिचुएशन, और फॉरेन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशंस है, उसकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ आई थी वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाई थी। तो बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, कमेंट्स डाले कि जो आज के जो मैं 3 टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, वो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है, और मैक्सिमम अवेयरनेस के ऊपर है, फैक्ट के ऊपर है। अगर उनको भी आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पे ऑलवेज ही नया टॉपिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके ना, ऑलवेज नया टॉपिक और फैक्ट के साथ, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि फॉरेन जाना है या नहीं जाना है। तो आज सबसे पहले है कि व्हेन एम्बेसीज एंड बीएफएस विल ओपन इन इंडिया। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी R&D रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका एक्सपीरियंस ये कहता है कि नेक्स्ट वीक मैक्सिमम आफ्टर 18th ऑफ की यहाँ पर जो एम्बेसीज हैं और BFS ओपन हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो रेड एरियाज हैं उनको छोड़कर मैक्सिमम ओपन है। कारण क्या है कि जो BFS फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, चाहे मैं साउथ अमेरिकन की बात करूं, चाहे मैं रशियन कंट्रीज़ में बताऊं, वहां पर करूं बात, चाहे मैं चाइना में करूं, वहां पर कुछ BFS ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वहां पर चाइना के अंदर भी बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज ने वर्किंग स्टार्ट करती हुई है, तो इंडिया में भी बहुत जल्दी ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते से काम कर रही है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज का मीन्स ये है कि वहां पर जितने भी वीज़ाज अप्लाई होते हैं वो सारे ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, तो उनके ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट है। जिन्होंने भी अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा है जो मेजर चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कनाडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो पोस्ट स्टडी परमिट में, उसमें ये किया है कनेडियन गवर्नमेंट ने, पहले क्या किया था जब ये इफेक्ट इसका स्टार्ट हुआ था कोविड का, उन्होंने मई तक के जो बच्चे मई इनटेक में आने वाले थे कनाडा में, जिनके वीज़ाज आ चुके थे, उनके लिए उन्होंने ये न्यूज़ दी थी कि अगर वो आइदर अपनी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन लेते हैं, आइदर स्टडिंग इन अब्रॉड, चाहे इंडिया में, मतलब अब्रॉड में, चाहे इनसाइड कनाडा में ऑनलाइन लेते हैं, तो उनको भी वो पोस्ट स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि 2020 में जितने भी कनाडा के इनटेक चलेंगे, जितने भी वहाँ पे कनाडा के इनटेक चलेंगे, उनमें हर एक बच्चा एलिजिबल है। आइदर वो अपनी स्टडी ऑनलाइन बाय सिटिंग इन इंडिया में करता है, चाहे अब्रॉड में करता है, वो एलिजिबल है पोस्ट स्टडी परमिट के लिए। बट पोस्ट स्टडी परमिट की एक डेफिनेशन है कि आपका कॉलेज DLI से अप्रूव्ड हो, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड होना चाहिए, और आपकी स्टडी मोर देन 8 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फॉर PG पोस्ट स्टडी परमिट के लिए भी। अगर कल आपने वहाँ पर अपनी PR डालनी है उसके लिए भी आप एलिजिबल है बाई टेकिंग यूर ऑनलाइन क्लासेस बाई सिटिंग इन इंडिया। तो ये उन्होंने एक मेजर चेंजेस किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज द फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये टाइप की फैसिलिटीज दी है। इवन जो आपका पीरियड है दैट इज कंसिडरेबल फॉर पोस्ट स्टडी परमिट एज वेल एज फॉर PR। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट जाते हैं, मोर देन मतलब अभी 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स गए थे लास्ट ईयर। तो जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने जाके काफ़ी जॉब फी जनरेट की, वहाँ से कम 1,70,000 जॉब जनरेट हुई हैं ड्यू टू ये जितना भी इनका फॉरेन रेमिटेंस जाता है कनाडा के अंदर, तो फिर जनरेट हुई है। तो अभी अगर उनकी जॉब चले जाएंगी, अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चे फीसें डालते रहें हमें, तो ताकि उनकी जॉब भी ना चली जाए, जो जिनकी जॉब ऑलरेडी क्रिएट हुई थी, तो उनकी इकॉनमी भी ठीक ठाक रहे, इसलिए उन्होंने इतना मेजर ये बेनिफिट दिया है। तो सेकंड न्यूज़ जो है, जो मैं अभी बताऊंगा, थर्ड न्यूज़ ये बताऊंगा, इटली की बहुत अच्छी न्यूज़ है, इटली से रिलेटेड है। इटली गवर्नमेंट ने क्या किया है
कि इटली गवर्नमेंट ने जितने भी वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ पर आज की डेट में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने सबको रेगुलाइज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स उनकी कंट्री के अंदर हैं, हम सबको रेगुलाइज करेंगे। आज की डेट में वहाँ पर कम से कम इटली के अंदर कम से कम 6 लाख से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और यूरोपियन यूनियन में हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, हम यूरोपियन यूनियन के हर टाइप के वीज़ास को डील करते हैं और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यूरोप, ये जो इटली है, इटली 1970 से जितने भी वहाँ पर इलीगल लोग रहते थे उनको रेगुलाइज करती आ रही है। ये उनका 7वां फेस है जो रेगुलाइज करने, हर 5वें साल, 6 ईयर। और लास्ट टाइम उन्होंने आई थिंक सो 2009 में उन्होंने लोगों को इलीगल थे रेगुलाइज किया था। 2009 के बाद अभी उन्होंने 2020 में इलीगल जो लोग रह रहे हैं उनको रेगुलाइज करने के लिए जा रही है। तो शेंगेन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैंने डाटा हम कहा ना, हम शेंगेन के साथ 1970 से उन्होंने स्टार्ट किया था और उस टाइम भी उन्होंने लाखों तादाद में 7 फेसेस है। कोई इनका जो 1985 में हुए, 1990 में हुए, 1995 में हुए, 1998 में हुए, 2002 में हुए, तो ऐसे कर करके उन्होंने 7 फेसेस में लाखों लोगों को वहाँ पर रेगुलाइज किया है। तो शेंगेन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चार पांच ऐसी कंट्री हैं जो कि अपनी इलीगल इमिग्रेंट्स को रेगुलाइज करती है आफ्टर क्वांटम ऑफ टाइम्स, आप कुछ टाइम के बाद, जिसमें सबसे नंबर है फेवरेबल जो रहा है लोगों के लिए वो स्पेन रहा है। स्पेन ने भी ऐसे अपने फेसेस में रेगुलाइज करते रहे हैं। अगर आपको इसकी, क्योंकि हम 12 साल तो हमारी कंपनी को एस्टेब्लिश हुए हो चुके हैं और मुझे भी अपना जो अपना एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, हमें मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम क्लोजली, हमारे पास मैंने बताया कि आर्टिकल्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, उसमें ये ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। तो स्पेन सबसे पहले रहा, स्पेन ने भी बहुत सारे लोग अपने जो इलीगल थे उनको रेगुलाइज किया। फिर इटली सेकंड नंबर पे है, फिर पुर्तगाल भी है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को रेगुलाइज किया। कुछ टाइम 2-3 फेज में फ्रांस ने भी किया, आज से 15-20 साल पहले फ्रांस ने भी किया, जर्मन ने भी 1-2 बार इलीगल लोगों को वहाँ पर रेगुलाइज किया, इवन बेल्जियम ने भी किया और लग्जमबर्ग ने भी किया, इन्होंने भी 1-2 बार अपने जो इलीगल लोग थे रेगुलाइज किया। लेकिन जो इटली है और स्पेन है ये रेगुलर करती रहती है, तो पुर्तगाल तो कर ही रही है, तो अभी इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इवन यूके ने भी 1998 में भी 300-400 लोगों को, उसके बाद तो कभी नहीं किया, 1998 में एक बार किया था, आप नेट पे भी डाल सकते हैं, उन्होंने भी 1-2 बार लोगों को, एक बार पक्के किया था आई थिंक 200-300 लोगों को। तो अभी इन्होंने न्यूज़ निकाल दी है कि जो लोग इटली में 18 मार्च 2020 से पहले आए हुए हैं, इटली के अंदर हैं, तो उनको वो रेगुलाइज करेंगे चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर, उनके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशन रखी हैं, आपके पास एटलीस्ट आपका पासपोर्ट तो होना चाहिए। पासपोर्ट इन्हें तो रेगुलाइज कैसे होंगे, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जब भी किसी भी कंट्री में रेगुलाइज करना है, इलीगल काम कर रहे हैं तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये जो इलीगल इमिग्रेंट है इट इज़ ए वेरी वेरी मतलब कंट्रोवर्शियल रहते हैं, चाहे वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है तो चाहे वहाँ की ओपोजिशन पार्टी है, उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। जैसे अभी इंडिया की मैं बात करूँ, जहाँ पे NRC बिल, जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप जो बिल पास किया था NRC, और कितने लोगों ने हंगामे किए, मुस्लिम्स ने, ऐसे हर कंट्री में कॉन्ट्रोवर्शियल्स रहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो ट्रंप की गवर्नमेंट हो, USA की, चाहे किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम हो, क्योंकि दे आर द वेरी हेडेक फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि वो इलीगल रह रहे हैं, टैक्स कोई आ नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने अभी जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, जो लोग 18 मार्च 2020 से पहले उनकी कंट्री में आए हुए हैं, जिन्होंने आने के बाद, उससे पहले आए हुए, कोई क्राइम ना किया हो, कोई किसी भी टाइप का, उनको हम पक्के करेंगे। और वो पक्के करने का उन्होंने फेस आउट रखा है, पहले वो आप अपना कोई एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर लो, और उन्होंने सेक्टर भी बताया किन सेक्टर्स में, हाँ इसको भी मैं डिस्कशन, सेक्टर को ना, सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक घरों में काम करने वाले, इटली में बहुत सारे लोग जाते हैं इटली के अंदर, ये जो मैं 6 लाख लोग बता रहा हूँ इलीगल रह रहे हैं, वो केवल इंडिया के नहीं है, पूरे वर्ल्ड के हैं, मैक्सिमम कहाँ के हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के, जो साथ में समुंदर के थ्रू इलीगल क्रॉस करके यहाँ पे इटली में आते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन के भी कुछ लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ में छोटी छोटी कंट्रीज़ लगी हुई है, जैसे रशिया, बेलारूस, ऐसी कंट्री, यूक्रेन, उनके लोग भी वहाँ पर हैं। फिर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ऐसे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको वो रेगुलाइज करेंगे।
तो रेगुलराइज करेंगे। मैंने फिर बताया कि उन्होंने सबसे पहले है जो डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम कर रहे हैं, अगर आपके पास काम कर रहे हैं कोई, आपको वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर दे देता है घर में जिनको चाहिए एम्प्लाई, तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। पहले वो 6 मंथ का टाइम देंगे कि चलो ठीक है 6 मंथ आप अपना फाइंड आउट कर लो, एम्प्लायर नहीं भी है तो लब अगर मिल भी जाता है पहले लगा के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सीजनल वर्कर, सीजनल वर्कर की दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड के कारण, उनकी इकोनॉमी भी बस हो चुकी है, डेथ भी बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको हम स्टार्ट करें ताकि उनकी इकोनॉमी में बूस्ट हो उनकी इकोनॉमी, और वहाँ पर जो इलीगल लोग हैं वो उनको टैक्स प्रोवाइड करें। और वहाँ के जो फार्मर हैं उनका अपना व्यू है, उनकी अपनी यूनियन, उन्होंने बताया कि अगर वो इनको रेगुलाइज करते हैं तो उनको 3 बिलियन यूरो का प्रॉफिट होगा, उसके थ्रू टैक्स आएगा गवर्नमेंट को। तो फिर उन्होंने जाके वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि इनको रेगुलाइज कर दें। तो सेकंड नंबर पर जो सीजनल वर्कर हैं जो फार्म हाउस में काम कर रहे हैं, कोई एनिमल्स जिनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको पक्के करेंगे वहाँ से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो फिर उसमें कंडीशन ये है कि आपने कोई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ ना की हो, आपको वो आप वहाँ पर जो 8 मार्च 2020 से पहले वहाँ पर हो इटली में, तो आने के बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी कोई क्रिमिनल ना हो जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये भी ख्याल रखना है कि उसके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल केस, उसकी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस ना, उसके अगेंस्ट ना हो, ना ही आपने कोई वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की हो। तो वो आपको वहाँ पे पेपर दे देंगे, पहले 6 मंथ के पेपर देंगे। 6 मंथ के जो उन्होंने चार्जेस रखे हैं वो 400 यूरो रखा है, आप और आपका एम्प्लॉयर जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। अगर तो आपको रियल पेपर मिल जाते हैं तो जो पेमेंट जो 400 यूरो भी देने वो आपके एम्प्लॉयर ने देने हैं एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। बट अभी कारण क्या है कि पेपर सबने बनाने हैं, आपके एजेंटों ने भी पैसे कमाने हैं और कॉन्ट्रैक्टर जिसने देना उसने भी पैसे कमाने हैं। अगर आपको रियल डॉक्यूमेंट मिलता है जो रियल स्टोरी मैं बता रहा हूँ, तो आपके जो पैसे भी 400 यूरो जो गवर्नमेंट ने लेना है आपको पक्के करने का, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की है। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी इटली के अंदर एज ए सीजनल वर्कर या डी वीज़ा के ऊपर उनके वीज़ाज एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो भी रेगुलराइज हो सकते हैं इसके थ्रू। उनकी जो फीस है उन्होंने 160 यूरो की रखी है, वो भी अपने डॉक्यूमेंट इसके थ्रू रेगुलराइज करवा सकते हैं। तो जो भी लोग पक्के होना चाहते हैं इटली के अंदर वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत अच्छी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं। उनका टारगेट है कि 6 लाख से ज़्यादा जो इलीगल लोग वहाँ पर रह रहे हैं जिनके पास अपना पासपोर्ट है, वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है, कुछ भी है, वीज़ा है भी नहीं है लेकिन उनके पास एटलीस्ट अपना पासपोर्ट है, कोई प्रूफ बता दें कि वो इटली में 8 मार्च 2020 से पहले रह रहे हैं इटली के अंदर ही, तो वो उनको 6 मंथ के इनिशियली पेपर देंगे। आफ्टर 6 मंथ वो आपके जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 1 साल का भी दे सकते हैं, 2 साल का भी दे सकते हैं। ये आपको एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है जिन्होंने जाके अपने इटली में पेपर बनाने हैं। इवन हमारा अपना ऑफिस है क्राउन इमिग्रेशन का पुर्तगाल के अंदर, तो फिर भी आपको की क्वेरी रहती है किसी से रिलेटेड भी, चाहे पुर्तगाल में पेपर बनाने चाहे इटली में बनाने हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। और इटली से हम बहुत क्लोजली, इटली एम्बेसी से और इटली के वीज़ा, चाहे वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, चाहे स्टडी वीज़ा है हम, और चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि इटली में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इवन MBBS के लिए जिन बच्चों ने IMET कर लेते हैं तो वो MBBS भी फ्री है क्योंकि हायर स्टडी भी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इवन फैमिली रीयूनियन केसेस बहुत आते हैं जिनके वहाँ पर हस्बैंड या वाइफ या पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल, उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाना है, वो केसेस बहुत आते हैं, उसमें भी हम बड़े एक्सपर्टाइज हैं, हम उनके यहाँ पर वीज़ाज अप्लाई करते रहते हैं। इवन सीजनल वर्कर के वहाँ से जो पेपर आते हैं उनको जो वीज़ाज अप्लाई करने होते हैं उनमें भी हम बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं। अगर इटली से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।